कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी को ब्रेन हैमरेज हुआ है और उनको अभी एसएमएस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और आपको बताया कि जैसे उनके शिव चिंतकों को ये बात पता चली, उसके बाद से लोग हॉस्पिटल पहुंचने लगे रामेश्वर डूडी का हालचाल जानने के लिए। और खुद सीएम अशोक गहलोत हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने रामेश्वर डूडी की कुशलक्षेम जानी है और साथ ही साथ डॉक्टरों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द रामेश्वर डूडी का इलाज शुरू कर दिया जाए। आपको बताएं कि ब्रेन हैमरेज होने के कारण अब ये कहा जा रहा है कि रामेश्वर डूडी का ऑपरेशन भी करना पड़ेगा और एक डॉक्टरों की टीम जो है वो तैयार कर दी गई है। इसमें तमाम बड़े डॉक्टर्स हैं जो रामेश्वर डूडी का इलाज कर रहे हैं। साथ ही पूरे प्रदेश में जो भी उनके शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, वो लगातार दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रामेश्वर डूडी ठीक हो जाए और अभी उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।